नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक आपको फिगर के जरिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के। तो इसमें सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स लगे होते हैं, फ्यूल रॉड जिसको हम लोग बर्न करते हैं, जिसका एक तरह से कंबस्शन होता है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होता है और उसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कूलेंट इन एंड कूलेंट आउट। कूलेंट जो बेसिकली हीट को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, तो कूलेंट का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले पे आते हैं। अगला है मॉडरेटर। मॉडरेटर्स लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं वो सब हम लोग ध्यान से देखेंगे अभी। उसके बाद फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड लगे होते हैं इसमें। फ्यूल रॉड भी दिखाया था पहले आपको, मैं बता ही चुका हूँ। और यह है रिएक्टर वेसल। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं और यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज फिजिबल एलिमेंट दैट कैन बी मेड टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। बेसिकली जो भी हमारा मोस्टली यूज न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो फिजिबल एलिमेंट्स होते हैं, और जो न्यूक्लियर फिजन जिसका आसानी से किया जा सके, सो दैट हमारा एक तरह से जो चेन रिएक्शन है वो चल सके और हम अधिक से अधिक अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बना सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं सबसे कॉमन टाइप के जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है वो कौन से हैं। यूरेनियम 235 एंड 239 पीयू। नॉट ऑल न्यूक्लियर फ्यूल्स आर यूज्ड इन द फिजन चेन रिएक्शन। हमारे फिजन चेन रिएक्शन में हर तरह के जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका यूज नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं उसी का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी न्यूक्लियर अगर बेसिकली मटेरियल है, न्यूक्लियर फ्यूल है, तो उसका यूज कर लोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए यहाँ पे आप फ्यूल देख पा रहे हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ फ्यूल्स की दी हुई है, स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट भी दी हुई है। तो ये वाला फिगर आप याद भी रख सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसका 16.3, स्पेसिफिक हीट उसका 0.037, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 19,000, मेल्टिंग पॉइंट 1130, यूरेनियम ऑक्साइड का 1.3, 0.078, 11,000, 2750, और यूरेनियम कार्बाइड का 20.6, 13,600, 2350। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली कंट्रोल रॉड्स के बारे में। देखिए कंट्रोल रॉड्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो न्यूट्रॉन्स, हमको पता है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वहां पे जनरेट होता है, तो उस न्यूट्रॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर ले पाता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी बंडल होते हैं इस तरह से, ऐसे मैकेनिज्म में हम लोग उसको बंडल के रूप में उसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल रॉड्स लगा हुआ है, तो कंट्रोल रॉड्स ऐसे बंडल के रूप में यहाँ पे पूरे के रिएक्टर में ऐसे किया जाता है, ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू उसमें डाला जाता है ताकि वो उसको हम लोग कम कर सके और ज्यादा कर सके जैसा रिक्वायरमेंट हो। यानी कंट्रोल रॉड की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो उसके नंबर्स को बढ़ा भी सके और कम कर सके, ठीक है। देयर इंसर्शन एब्जॉर्ब्स मोर न्यूट्रॉन्स एंड डैम डाउन द रिएक्शन एंड देयर विथड्रॉल एब्जॉर्ब्स लेस न्यूट्रॉन। जैसे ही हम लोग अधिक ज्यादा मात्रा में एक तरह से कंट्रोल रॉड्स वहां पे डालेंगे तो क्या होगा, वो अधिक से अधिक न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और इससे कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, डैम्प हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। दस पावर ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल बाय शिफ्टिंग कंट्रोल रॉड्स विच मे बी डन बाई मैनुअली और ऑटोमेटिकली। और हम कंट्रोल रॉड्स को मैनुअली या ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम लोग जो रिएक्शन का पावर है उसको एक तरह से कंट्रोल करके रखते हैं। जो कंट्रोल रॉड होते हैं बेसिकली उसमें वो या तो बोरॉन के हो सकते हैं, कैडमियम हो सकता है और इंडियम, जिसका हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। कंट्रोल रॉड्स के पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे शुड हैव एडिक्वेट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज। हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी होना चाहिए, अधिक से अधिक वो हीट एक तरह से ट्रांसफर भी कर सके, ऐसा होना चाहिए। दे शुड बी
स्टेबल अंडर हीट एंड रेडिएशन. यू नो दैट देयर इज लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू यूज सच ए टाइप ऑफ मटेरियल विच इज स्टेबल अंडर द हीट एंड रेडिएशन. ओके, दे शुड बी कोरोजन रेसिस्टेंस, उनका कोरोजन रेसिस्टेंस होना चाहिए. दे शुड बी सफिशियंट स्ट्रॉन्ग एंड शुड बी एबल टू शट डाउन द रिएक्टर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अंडर ऑल कंडीशंस. वो इतने ज्यादा सफिशियंट और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपका पूरा का पूरा जो रिएक्टर है वो एक ही टाइम पे, उसको अगर बंद करने की जरूरत हो किसी भी कंडीशन में, तो हम क्या कर सके, उसको बंद कर सके इंस्टेंटली, मतलब कि तुरंत ही बंद कर सके. दे शुड हैव सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए. मॉडरेटर इन द चेन रिएक्टर द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड आर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स. चेन रिएक्शन में जो मॉडरेटर्स, अब हम लोग मॉडरेटर्स पढ़ रहे हैं, जो चेन रिएक्शन होता है उसमें जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही तेज गति से चलता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जिससे कि हमारे यूरेनियम 235 का फिजन हो सके, और ये जो एक तरह से जो भी यूरेनियम 235 के एटम्स होते हैं उसको स्केप कर जाता है, ठीक है, और रिएक्टर से स्केप कर जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉडरेटर्स को इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग यूटिलाइज कर सके न्यूट्रॉन्स की स्पीड को, और इसको उसको रिड्यूस कर सके एक तरह से मॉडरेटर्स का काम होता है जो भी स्पीड है आपके न्यूट्रॉन्स को उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना. हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है, मॉडरेटर्स के रूप में, ताकि जो न्यूट्रॉन से उसकी स्पीड कंट्रोल में आ जाए, और वो बेसिकली जो भी एटम है यूरेनियम 235 का एटम है, यूरेनियम 235 का एटम है, उससे कोलाइड करे और उसके न्यूक्लियस से कोलाइड करे और हीट जनरेशन हो. मटेरियल विच इज लाइटर डज नॉट कैप्चर द न्यूट्रॉन्स एंड स्केटर देम. जो मटेरियल लाइट होते हैं वो बेसिकली उस जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको कैप्चर नहीं करते हैं, लेकिन उसको स्केटर जरूर कर देते हैं. तो हमको कैप्चर भी नहीं करना, ऐसा नहीं कि हमको ऐसा मटेरियल मॉडरेटर लगा दिया कि वो कैप्चर ही कर ले न्यूट्रॉन्स को, तो कैप्चर नहीं करना, उसको मूव करते रहना है, लेकिन उसको स्केटर कर देता है. होता क्या है कि मॉडरेटर लगाने से कोलिजन हो जाता है न्यूट्रॉन्स का उसके एटम से, और जिससे कि उसके जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की लॉस हो जाती है, और एनर्जी का जब लॉस हो जाता है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं. यहाँ पे देखिए फिगर में आप देख पा रहे हैं यूरेनियम 235 के एटम्स है, और यहाँ पे हमने मॉडरेटर बीच में जो मॉडरेटर लगाया हुआ है बेसिकली इसको कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन्स को. अब हम बात करते हैं कि जो भी मॉडरेटर होना चाहिए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लार्ज नंबर में और प्योर फॉर्म में इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए अगर सॉलिड मटेरियल मॉडरेटर है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए अगर लिक्विड मॉडरेटर है. सॉलिड मॉडरेटर जो होना चाहिए उसका हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए और इजिली वो मशीनेबल होना चाहिए, यानी कि मशीनेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए. ये गुड रेसिस्टेंस टू कोरोजन होना चाहिए, स्टेबल अंडर हीट एंड रेडिएशन होना चाहिए, और एक तरह से स्लो डाउन को कर सके न्यूट्रॉन को. मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर तो सिक्स वाला ही है कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर सके. कौन कौन से मॉडरेटर्स यूज होते हैं, क्या क्या एग्जांपल है, तो बेसिकली हम ग्रेफाइट, हेवी वाटर, बेरिलियम आर जनरली यूज है मॉडरेटर. इसका यूज हम लोग मॉडरेटर के रूप में करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्ट की. देखिए जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं फिजन के दौरान वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं. जो फ्यूल रॉड्स होते हैं, मॉडरेटर हो गया, कूलेंट या स्ट्रक्चरल जो भी मटेरियल है वो पार्शियली ही एब्जॉर्ब कर पाता है, थोड़े ही न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाता है. बाकी जो अनएब्जॉर्ब्ड यानी कि जो अनयूज्ड एक तरह से कहिए, या जो न्यूट्रॉन्स कैप्चर नहीं हो पाते हैं, वो एक तरह से रिएक्टर कोर को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं और वो वापस कभी नहीं आते हैं रिएक्टर कोर में, तो जिससे कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है. ऐसे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्ट का यूज करते हैं. और ये कैसे करते हैं हम लोग, ये हम लोग करते हैं जो भी रिएक्टर कोर होता है उसके बाहर एक उसको हम लोग एक तरह से सराउंड कर देते हैं ऐसे मटेरियल से जो न्यूट्रॉन को वापस कोर में भेज सके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर. अब हम बात करते हैं रिएक्टर वेसल की. देखिए रिएक्टर वेसल एक स्ट्रॉन्ग वॉल्ड कंटेनर हाउसिंग होता है जो एक तरह से
जो पूरे के पूरे रिएक्टर को कंट्रोल करता है, हाउसिंग होता है, जैसे पूरे पूरे मॉडरेटर्स आ गए, उसमें रिफ्लेक्टर, थर्मल शील्डिंग और कंट्रोल रॉड्स इसी के अंदर आते हैं, रिएक्टर वेसल्स के ही अंदर। अब बायोलॉजिकल शील्डिंग की बात करते हैं। देखिए, शील्डिंग द रेडियो एक्टिव जोन्स इन द रिएक्टर रोन पॉसिबल रेडिएशन हजार्ड इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग मेन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स। जो भी वहां पे देखिए काम कर रहे होंगे मजदूर, या जो भी इंजीनियर वहां पे काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं, उनको जो भी एक तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां से निकलता है, रेडियो एक्टिविटी जो निकलती है, वो तो ऐसा हम लोग शील्डिंग वहां पे प्रोवाइड कर दें ताकि वो जो भी उससे नुकसान होता है उससे बचा जा सके, और जो भी काम कर रहे हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच सके, इसके लिए हम लोग बायोलॉजिकल शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जैसे फिजन होता है न्यूक्लियर फ्यूल का, तो वहां से बहुत सारे पार्टिकल्स जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और डेडली गामा रेज तक भी वहां से, और न्यूट्रॉन्स तो प्रोड्यूस होता ही है, ये सभी प्रोड्यूस होते हैं। तो जो प्रोडक्शन होना चाहिए इनके इनके अगेंस्ट में, यानी इनके इनसे हमको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थिक लेयर ऑफ लेड, एक बहुत ही मोटे शीशे का लेयर या लेड का लेयर जिसको बोलते हैं, और या तो कंक्रीट का लेयर उसके अराउंड में, जो भी रिएक्टर है उसके अराउंड में लगा देते हैं ताकि हम लोग गामा रे से बच सके। अब हम बात करते हैं कूलेंट्स का। देखिए, कूलेंट बेसिकली यूज होते हैं रिएक्टर कोर में, इसका यूज किया जाता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको फिजन के द्वारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न करने से, जिससे कि चेन रिएक्शन बनता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट्स का यूज करते हैं। जो कूलेंट है वो या तो ऐसा एक मीडियम हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर का यूज कर रहे हैं एज ए कूलेंट, तो हम जैसे ही वाटर को भेजेंगे, ठीक है, वहां पे हीट बहुत ज्यादा है, हीट जनरेट हो रहा है, तो कूलेंट अगर वाटर है तो वाटर तुरंत ही स्टीम में यूज हो जाएगा और हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने टरबाइन की ब्लेड्स पर, और टरबाइन को चलाने में और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हम किसी और कूलेंट का यूज कर लें और वो कूलेंट जाएगा वहां पे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर आएगा, उस वाले हीट को फिर हम लोग यूज करेंगे वाटर को गर्म करने में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, और फर्दर उसका यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी टर्बाइन को चलाने में। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, हम डायरेक्टली वाटर का यूज कर लें या किसी एक अलग कूलेंट का यूज कर लें। जो कूलेंट बेसिकली यूज होते हैं वो बेसिकली स्टेबल होने चाहिए थर्मल कंडीशंस के, किसी भी थर्मल कंडीशंस में इट शुड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और जो मटेरियल होना चाहिए उसको ये कुरोड नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुरोजन होने लगे, तो जो एक तरह से रिएक्टर के अंदर जो मटेरियल्स है उसको कुरोड नहीं करना चाहिए। और द कूलेंट शुड हैव हाई हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, इसका हाई हीट ट्रांसफर कोफिशियंट होना चाहिए। द रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस्ड इन कूलेंट बाय द न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड मेंट शुड बी नील। द वेरियस फ्लूड यूज एज कूलेंट आर वाटर, जो यूज होता है अभी हमने मैंने बताया आपको, वाटर का यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, या तो वो कोई भी हो सकता है, अगर लाइट वाटर का बात करो या हेवी वाटर कोई भी यूज कर सकते हो, गैस हो सकता है एयर, CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी गैस यूज कर सकते हो, लिक्विड मेटल्स का यूज कर सकते हो जैसे सोडियम हो गया, या तो सोडियम या पोटेशियम का आप मिक्सचर यूज कर लो, या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फ्लूड्स का भी आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कूलेंट साइकिल के बारे में। द कूलेंट While circulating through the reactor passage, take up heat produced due to chain reaction and transfer this heat to the feed water in three ways. वो तीन वे क्या है, या तो डायरेक्ट साइकिल, सिंगल सर्किट सिस्टम या डबल सर्किट सिस्टम। इन दिस सिस्टम कूलेंट विच इज वाटर लीव्स द रिएक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, डायरेक्ट वाली की बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूजेज दिस स्टीम। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो कूलेंट यूज होता है वो कूलेंट विच इज वाटर लीव्स द रिएक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और रिएक्टर से जैसा मैंने पहले आपको बताया कि डायरेक्ट वाटर के यूज कर रहे हो तो सीधे स्टीम में यूज हो जाता है, और जो रिएक्टर है उस सिस्टम को यूज कर लेता है। सिंगल सर्किट सिस्टम, इन दिस सिस्टम द कूलेंट ट्रांसफर द हीट टू द फीड वाटर इन द स्टीम जनरेटर, दिस स्टीम इज ड्यू टू प्रेशराइज्ड रिएक्टर। डबल सर्किट सिस्टम, इन दिस सिस्टम टू कूलेंट्स आर यूज्ड, प्राइमरी कूलेंट आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू द रिएक्टर फ्लोज थ्रू द इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर एंड पासेस ऑन इट्स नेक्स्ट टू द सेकेंडरी कूलेंट विच ट्रांसफर इट
हीट टू द फीड वाटर इन द स्टीम जनरेटर, दिस स्टीम इज यूज टू सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्ड वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंटली ये डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं या तो सिंगल सर्किट का ही यूज कर लेते हैं। ये डबल सर्किट भी अब यूज हो रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसमें कि हम लोग हीट एक्सचेंजर भी यूज करते हैं, वहां पे भी हीट एक्सचेंजर यूज होता है सिंगल वाले में भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो कोलेंट्स का यूज करते हैं डबल डबल सर्किट सिस्टम में। अब हम बात करते हैं रिएक्टर कोर की। रिएक्टर कोर बेसिकली कंसिस्ट करता है फ्यूल रॉड को, मॉडरेटर को एंड स्पेस थ्रू द कूलेंट फ्लोज, जिसमें कूलेंट फ्लो करता है। कूलेंट पंप, द कूलेंट पंप प्रेशराइज द कूलेंट टू प्रेशर ऑफ ऑर्डर ऑफ 155 बार। द प्रेशर ऑफ द कूलेंट लूप इज मेंटेन्ड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ पंप एंड ए प्रेशराइजर यूनिट। व्हाट इज फीड पंप? स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन फ्लो थ्रू द कंडेंसर फॉर द कंडेंसेशन एंड रीसर्कुलेटेड फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ ऑपरेशन। दिस फीड पंप सर्कुलेट द कंडेंस्ड वाटर इन द वर्किंग फ्यूल लूप। अब ये था बेसिकली आपका फीड पंप, कूलेंट पंप, रिएक्टर कोर, कूलेंट साइकिल। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, सही से समझ में आया, प्रॉपर नोट्स बना पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या कहीं भी लिखना चाहते हैं तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे एक फायदा मेरे को जाए कि मैं अच्छे अच्छे और वीडियो लेकर के आ पाऊंगा। मैंने अभी शुरू किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।